हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव निर्मित इंसुलिन अर्थात हीमुलिन के बारे में समझेंगे। यह डीएनए पुनर्योगक तकनीक के द्वारा तैयार किया गया है, इसीलिए इसे आप जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुप्रयोग में भी समझ सकते हैं। पहले आप समझिए कि इंसुलिन होता क्या है। तो देखिए, यह प्राकृतिक रूप से हमारे अग्नाशय अर्थात पेंक्रियाज द्वारा स्रावित एक हार्मोन्स है। यह प्रोटीन युक्त हार्मोन्स है और हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इस हार्मोन्स की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाता है और इसे मधुमेह या डायबिटीज रोग कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। देखिए, आजकल के समय में मधुमेह रोगियों की संख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि हो गई है, इस कारण इस हार्मोन्स की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए पहले हम इंसुलिन के संरचना के बारे में समझें, उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। देखिए, इंसुलिन प्रोटीन युक्त हार्मोन्स है और प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं, तो इस कारण इंसुलिन में भी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रोटीन बृहद अणु होते हैं, इसमें बहुत अधिक संख्या में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन इंसुलिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जिसमें एमिनो अम्ल की संख्या बहुत कम होता है। इसमें सिर्फ 51 एमिनो अम्ल होते हैं और ये भी दो श्रृंखलाओं में बटे होते हैं। श्रृंखला ए या पेप्टाइड ए जिसमें 21 एमिनो अम्ल होंगे और श्रृंखला बी या पेप्टाइड बी जिसमें 30 एमिनो अम्ल होंगे। इसकी संरचना को आप चित्र के द्वारा समझें। देखिए, जब इंसुलिन का संश्लेषण होता है तो वह प्राक इंसुलिन या प्रो इंसुलिन हार्मोन्स के रूप में संश्लेषित होता है। इसमें इन दोनों श्रृंखलाओं के अतिरिक्त एक अलग से पेप्टाइड सी का फैलाव होता है जो कि परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। इस तरह से देखिए, यहां से यहां तक को एक श्रृंखला मानेंगे, यहां से यहां तक को दूसरा श्रृंखला और ये अतिरिक्त विस्तार। ये देखिए, इसमें तीनों श्रृंखलाएं स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमको इस तरह से तीन की संख्या में डाइसल्फाइड बंध को भी दिखा देना है। तो ये हो जाएगा प्रॉक इंसुलिन या प्रो इंसुलिन। ये अपरिपक्व इंसुलिन है। जब यह परिपक्व होता है उस समय जो अतिरिक्त फैलाव, ये जो दिख रहा है पेप्टाइड सी, ये इससे पृथक हो जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। देखिए, ये उसका छोटा श्रृंखला, हालांकि छोटे तो दोनों श्रृंखलाएं हैं लेकिन एक को छोटा मानेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 21 एमिनो एसिड हैं और दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा है जिसमें 30 एमिनो एसिड हैं। इस तरह से देखिए, और ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होंगे। यही कहलाता है इंसुलिन। इससे जब ये पेप्टाइड सी पृथक हो जाता है तो यहाँ पे पेप्टाइड सी को अलग कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये जो अतिरिक्त फैलाव पेप्टाइड सी का था, ये इससे पृथक हो गया। तो इसको लिख लेंगे चैन ए, श्रृंखला ए, ये कहलाएगा चैन बी, श्रृंखला बी, और यही दोनों एक साथ कहलाएंगे इंसुलिन। और ये जो अतिरिक्त फैलाव था पेप्टाइड सी का, ये अलग हो गया। तो इस तरह से इंसुलिन का संरचना होता है।
अब देखिए, इसको देख करके आप बता सकते हैं कि जब इंसुलिन का संश्लेषण होता है उस समय यह प्राक इंसुलिन या प्रो इंसुलिन हार्मोन्स के रूप में होता है। इसमें इन दोनों श्रृंखलाओं के अतिरिक्त इस पेप्टाइड सी का भी विस्तार होता है, फैलाव होता है, और जब इसमें परिपक्वता आता है तो उस समय ये जो अतिरिक्त फैलाव था पेप्टाइड सी का, वो इससे पृथक हो जाता है और हमको परिपक्व इंसुलिन प्राप्त होता है। इस इंसुलिन में चैन ए 21 एमिनो एसिड का और चैन बी 30 एमिनो अम्ल का बना होता है, और दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए, इस तरह से इंसुलिन का संरचना होता है। अब हम बात करते हैं कि जब डीएनए पुनर्योगक तकनीक के द्वारा मानव निर्मित इंसुलिन तैयार किया जाने लगा तो उस समय सबसे बड़ा चुनौती आया, वो था परिपक्व इंसुलिन प्राप्त करना। तो इसके लिए 1983 में अमेरिका की एक कंपनी है एली लिली, इसके द्वारा इसमें जो चैन ए और चैन बी, ये तो प्रोटीन की श्रृंखलाएं हैं, तो इसको निर्माण करने के लिए जो डीएनए के अनुक्रम है उन्हीं के समान दो अनुक्रम तैयार किया गया और उसको ई कोलाई के प्लाज्मिड को बाहर निकाल करके उसके साथ रिकॉम्बिनेट डीएनए तैयार किया गया और पुनः उसको ई कोलाई के भीतर प्रेस कराया गया और वहां पे उस ई कोलाई के द्वारा उसका गुणन हुआ और गुणन के फलस्वरूप जब वह प्रोटीन का निर्माण किया तो इस तरह के दो श्रृंखलाएं प्राप्त किए गए और इन श्रृंखलाओं को रासायनिक विधि से जोड़ करके इंसुलिन तैयार किया गया। तो आइए इसको समझें चित्र के द्वारा। देखिए, पुनर्योगक डीएनए तकनीक द्वारा इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहले हमको टारगेट डीएनए चाहिए, ऐसा डीएनए जिसमें इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाएं बनाने वाले जीन उपस्थित हों। तो ये कहाँ मिलेगा? निश्चित है जहाँ इंसुलिन बनता है, अर्थात अग्नाशय। तो यहाँ पे हम अग्नाशय की एक कोशिका को ले लेते हैं, ये है मनुष्य के अग्नाशय की एक कोशिका। इस कोशिका में यह हो गया केंद्रक और केंद्रक के भीतर उपस्थित होता है डीएनए, ये हो गया डीएनए। इसी डीएनए में हमको अपना टारगेट डीएनए का खंड प्राप्त करना है, तो उसके लिए इस डीएनए को हम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट कराते हैं और हमको जो वांछित डीएनए का खंड है जिसको टारगेट डीएनए कहा जा रहा है ये प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमको मिल गया इंसुलिन जीन। अभी इस इंसुलिन जीन को किसी कोशिका के भीतर प्रवेश कराने के लिए वेक्टर चाहिए, वाहक चाहिए, तो वाहक के लिए हम ई कोलाई के प्लाज्मिड को लेते हैं। तो यहाँ चलिए एक ई कोलाई को भी बना लेते हैं, ये हो गया ई कोलाई। ये उसका खुद का डीएनए और यहाँ एक अतिरिक्त डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, तो ये ई कोलाई का प्लाज्मिड हो गया। इसी प्लाज्मिड को वाहक के रूप में उपयोग करेंगे तो इसको भी बाहर निकाल करके सेम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट करते हैं। तो कट करने के पश्चात ये कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। हालांकि आप रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर बना हुआ है। अब देखिए, ये हो गया इस प्लाज्मिड का कटा हुआ अंश, अर्थात हम इसको वेक्टर लिख लेते हैं। अब ये दोनों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और जोड़ करके रिकॉम्बिनेट डीएनए, पुनर्योगक डीएनए तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से ये जुड़ गए और बन गया रिकॉम्बिनेट डीएनए। अब उसके बाद देखिए, ये जो प्लाज्मिड के साथ जुड़ा हुआ है तो इस प्लाज्मिड को पुनः ऐसे ही कोलाई के भीतर जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं है उसके भीतर प्रेस कराया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा ई कोलाई को ले लेता हूँ जिसका प्लाज्मिड निकला हुआ है, ये देखिए, तो इसको इसके भीतर प्रवेश कराएंगे।
यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेट डीएनए को इसके भीतर प्रवेश करा दिए, अर्थात इस ई कोलाई में ऐसा जीन पहुँच गया जो इंसुलिन प्रोटीन का उत्पादन कर सके। तो इसको भी हम मान सकते हैं कि रिकॉम्बिनेट अर्थात आर ई कोलाई, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए इस ई कोलाई का गुणन कराएंगे और ई कोलाई का गुणन हर 20 मिनट में पूरा हो जाता है, अर्थात 20 मिनट में एक से दो हो जाएगा, अगले 20 मिनट में दो से चार हो जाएंगे। तो इस तरह से जब इसको संवर्धन माध्यम में रखते हैं तो गुणन करके इसका संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाता है बहुत ही कम समय में। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि संवर्धन माध्यम में कुछ ही समय में इसका संख्या कुछ बढ़कर इस तरह हो गया, और ये इसका खुद का डीएनए, और यहाँ पर ये इसका रिकॉम्बिनेट डीएनए सभी के पास होगा क्योंकि सब इसी से बने हुए हैं। तो ये सभी के पास पहुंच जाता है, अर्थात सभी ई कोलाई में इंसुलिन जीन उपस्थित होगा। अब इस जीन के द्वारा उसी तरह के प्रोटीन की दो श्रृंखलाएं बनाए जाएंगे और उन दोनों श्रृंखलाओं को इससे बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जैसे मैं पहले ही आपको बताया कि इसमें सबसे बड़ा समस्या था कि परिपक्व इंसुलिन तैयार करना। तो उन दोनों श्रृंखलाओं को अलग किया गया और उसको बाहर रासायनिक विधि के द्वारा डाइसल्फाइड बंध बनाकर इंसुलिन तैयार किया गया, उसी को कहा गया ह्यूमुलिन। देखिए यहाँ पर एक अगला स्टेज भी बना लेते हैं। चलिए एक ई कोलाई को बाहर निकाल लिए इस तरह से, और इसको दिखा देते हैं कि इसके द्वारा इंसुलिन का सीधे उत्पादन किया जा रहा है। ये हो गया इसका रिकॉम्बिनेट डीएनए, और ये मान लेते हैं कि ये इंसुलिन है, इंसुलिन। तो इस तरह से इंसुलिन तैयार किया जाता है और जिसका मनुष्यों में प्रयोग किया जाता है। ये इंसुलिन पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, अर्थात किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जब इस तरह के इंसुलिन तैयार नहीं किए जाते थे उससे पूर्व मधुमेह के उपचार के लिए पशुओं के इंसुलिन का उपयोग किया जाता था, जिसके कई साइड इफेक्ट भी होते थे। तो इस तरह से आप मानव निर्मित इंसुलिन अर्थात ह्यूमुलिन के बारे में समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।